गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल विवास लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम सुबह में, तो अभी मेरे यहाँ चल रहा है मॉर्निंग ड्यूटी, तो उनको खाना बना के दे दिए हैं टिफिन, लौकी का सब्जी, रोटी, और किट्टू भी नाश्ता कर लिया है। और अभी हम मंगाए थे आज सहजन का पत्ती, तो इसका बनाएंगे पराठा। तो अभी पराठा बनाएंगे इसको, तो इसको साफ कर रहे हैं। ऐसे सहजन का पत्ती लाया है तो ऐसा, मतलब ये दो दिन हो गया ना इसको लाए, तो थोड़ा सा ये मुरझा गया है लेकिन ठीक है। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो नहीं बनाए, और सोचे आज बना दे, नहीं तो इतना मेहनत से बेचारा लाया है इतना दूर से। तो इसी को साफ कर ले रहे हैं, इस डंडी सहित है तो इसका डंडी निकाल ले रहे हैं, इसका पत्ती अलग डंडी अलग, फिर इसको धुलेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे इसका पराठा। तो बस इसी को तोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पत्ती को धुल लिए हैं अच्छे से, अभी इसको काटेंगे। अभी ये पत्ती है तो अच्छे से तो कटेगा नहीं, लेकिन इसको ऐसे रख के प्लेट में अच्छे से काट लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा सा ले लिए हैं हम आटा, और इसमें ये डाल देंगे पत्ती सहजन का। तो पत्ती को हम अच्छे से काट लिए हैं, सहजन के पत्ती को, और ये है हरा कटा हुआ मिर्चा और लहसुन, इसको एकदम बारीक बारीक काट लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, और इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमको भी खाना है, तो इसलिए मसाला नहीं डालेंगे। नहीं तो इसमें आप थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरे को खाना नहीं है मसाला। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं कलर के लिए, और अब इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। बस अभी ये सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से आटा में। इसमें आपको अगर खस्ता बनाना है तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल लीजिए, ये हम बिना मसाला और बिना ऑयल का बना रहे हैं। बस किट्टू के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा के पराठा सेकेंगे, बाकी अपने लिए तो सादा ही। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा आटा गुथा चुका है, अभी इसका बनाएंगे हम पराठा। पराठा और रोटी दोनों बनाएंगे अपने लिए, रोटी बनाएंगे, किट्टू के लिए पराठा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा एकदम मस्त सिका के पराठा तैयार हो गया है, सीख गया है मेरा पराठा एकदम अच्छे से। ये देखिए अभी दूसरा पराठा डाल देंगे, दिख रहा है, ये देखिए अभी दो ठो किट्टू के लिए बना देंगे पराठा, और अपने लिए रोटी। सो
सो फ्रेंड्स, मेरा थाली तैयार है और किट्टू का भी तैयार है। सैजन का उसको पराठा बनाया है, अपने लिए रोटी। तो देखिए क्या क्या है आज मेरी थाली में। आज क्या हम हमेशा ऐसे ही खाते हैं, तो देखिए। पहले देखिए किट्टू का थाली। ये सैजन का पराठा बहुत ही मस्त बन के तैयार हुआ है ये। और ये दही, उसके बाद ये आम का अचार, वो आम का अचार लेगा और दही से खाएगा। ये है किट्टू का, ये पूरा किट्टू का थाली है। और अब देखिए मेरा थाली एकदम, ये देखिए सब्जी, लौकी का सब्जी, बस नमक हल्दी और जीरा, दो बूंद तेल, ये बॉईल किया हुआ लग रहा है ना पूरा, बस ऐसे ही खाना है। और ये है रोटी, सहजन के पत्ते का रोटी, या प्लेन रोटी या कोई साग डाल के ऐसे रोटी ये है। और ये ढेर सारा सलाद, ये चुकंदर हमको पसंद नहीं है लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। तो ये रही मेरी थाली और ये किट्टू की थाली। तो बस अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा हम लोग की थाली हम लोग की क्या, मेरी थाली ऐसे ही होता है आजकल, रूखा सूखा खाना है। तो अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और अब चल रहे हैं, थोड़ा लेटेंगे, उसके बाद लाइव आने का मेरा टाइम हो जाएगा। आजकल हम दिन में 1 बजे ही लाइव आ जा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और मेरा कल वीडियो नहीं गया था। अब एकदम वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं आधे पे छोड़ दे रहे हैं, टाइमिंग भी नहीं बढ़ रहा है। और 2 साल हो गया मेरे को वीडियो बनाते, अब एकदम मन ऊब गया है। जैसे जब कोई तारीफ करता है या व्यूज आता है तो मन करता है कि हाँ चलो बनाएं, और कोई देख भी नहीं रहा है, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। बीच में तो आ रहे थे लेकिन इस टाइम तो एकदम डाउन हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखा करिए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगता है। उसको सोचिए क्या बनाएं, कैसे शूट करें, वो करो, फिर एडिट करो, थंबनेल बनाओ, बहुत तरह की झंझट होती है, बहुत मेहनत लगता है। जो बनाता है उसको तो पता होगा। और हमारे यहाँ तो मेरे को कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, हमको सारा अकेले करना है, एडिट भी करना, थंबनेल भी बनाना, वीडियो शूट भी करना, घर का सारा काम भी करना। तो ऐसे ही मतलब बनाते हैं, क्या करें, अब इतना मेहनत से बनाते भी हैं और कोई देखता नहीं है तो मन नहीं करता, और अगर कोई देखता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितने लोग हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स बने हैं, उन लोग को, जितने लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए हम बनाते हैं। लेकिन इस बार जब से मेरा 1K हुआ है ना, जिस दिन से मेरा 1K हुआ है उसी टाइम से पता नहीं किसकी नजर लग गई, हाय लग गया बोल लीजिए मेरे को, कि मेरा एकदम, मेरा तभी से तबीयत गड़बड़ है। उसके पहले सोचिए, हम एक टेबलेट आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए हैं। थोड़ा बहुत सर दर्द या तो बदन दर्द हुआ है तो मेरा ऐसे ही ठीक हो गया है, बाम वाम लगा लिए हैं, ठीक हो गया। और ऐसा हमारा तबीयत खराब हुआ ना, हम 2-3 महीना हो गया झेल रहे हैं जब से। हम वही सोच, अब मेरा ना जानते हैं ऐसे रहेंगे तो कुछ नहीं, हमको एकदम मोबाइल उठाने का मन ही नहीं करता है कि हम मोबाइल उठाएं, काम करें, ये हम जबरदस्ती करते हैं। और एक ये भी रहता है कि चलो व्यूज आ रहा है तो चलो करते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा हेल्थ खराब है फिर भी हम, सो एक दिन मेरा वीडियो नहीं जाता लेकिन फिर तीसरे दिन सोचते हैं, दूसरे दिन सोचते हैं कि अरे यार नहीं गया है मेरा वीडियो एक भी, चलो थोड़ा सा कुछ भी बना के डाल देते हैं, हिम्मत करके बनाते हैं, डालते हैं, लेकिन व्यूज नहीं आता तो फिर मन टूट जाता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए, और मेरे से कितने बाद, मतलब पीछे पीछे के चैनल कितना वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि वो लोग झूठ का सहारा लेते हैं और बहुत गलत गलत चीज का सहारा लेते हैं। तो जो एकदम छोटा कपड़ा पहनेगा, जो एकदम टिप टॉप से आएगा, मेकअप करके आएगा, उसका देखिए वीडियो चैनल क्या ग्रो कर रहा है। जो झूठ, मतलब हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, रियल लाइफ अपना दिखाते हैं ना, तो रियल लाइफ में कोई मेकअप करके तो सोएगा नहीं, कि उठते मन आपका आईलाइनर परफेक्ट और काजल और पूरा मेकअप थोप के एकदम वीडियो बन रहा है, वैसा नहीं। हम लोग रियल लाइफ दिखाते हैं, रियल में है। तो ब्लॉगिंग करते हैं तो जैसे हैं घर में, हम तो कपड़ा भी वहीं पहनते हैं यार,
कपड़ा भी ये नहीं है कि मेरा शूटिंग कर रहे हैं, चलो वीडियो बना रहे हैं तो ये कपड़ा चेंज कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं। जैसे मेरा जो रियल है, जैसे हम रहते हैं घर में, वैसे ही वीडियो बना लेते हैं। तो पता नहीं आजकल के लोगों को रियल नहीं पसंद आ रहा है, उन लोग को रियल लाइफ ही पसंद है, रियल लाइफ नहीं पसंद है। तो उतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग घर के सारा काम भी करना, हम लोग के यहाँ मेड नहीं है, नौकरानी नहीं है, इतने अमीर नहीं है हम लोग कि मेड नौकरानी लगी है, चलो काम कर रही है। हम लोग बस वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एक छोटी डिश बना लिए, हाथ लगा लिए, काम हो गया। नहीं, हम लोग को घर का A to Z काम पूरा करना पड़ता है, खुद ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो आदमी कम मेकअप करे, यहाँ ड्यूटी वाले आदमी है, ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहा है, हम मेकअप ही करते रह गए कि मेकअप कर लें तब वीडियो बनाए। नहीं होगा भाई, अब मेकअप वैसे भी हम कब भी नहीं करते हैं, जो है सो है, जो भगवान ने दिया है, वो आप लोगों के सामने हम दिखाते हैं। और जो लोग मेकअप करके पूरा परफेक्ट एकदम, उन लोग के घर संपन्न है, उन लोग दिखाते हैं, उन लोग का लाइक भी अच्छा। हम ही लोग हैं जो जैसे हम ही लोग की तरह है ना सब लोग, या तो एकदम अमीर वालों का देखेंगे, अरे ये अमीर है, देखते हैं इसके खाने में क्या है, इसका लाइफ स्टाइल कैसा है, या तो उन लोगों का देखेंगे, या तो फिर जो गाँव का बना रहे उन लोग भी अमीर हैं, लेकिन गांव में कच्चा घर है, वो उसमें सूट कर रहे हैं, उसका बना रहे हैं, तो वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है, वो उन लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग का कोई नहीं पसंद करता है, तभी तो 2 साल से एड़ियां घसीट रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन व्यूज तो दूर, मतलब एकदम बिल्कुल ही नहीं है, क्या बताएं। लेकिन जितने भी हैं बहुत है मेरे लिए, अब उतने के लिए ही करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, मेरा रियल लाइफ है ये, हम रियल दिखाते हैं, इसमें कुछ बनावटीपन नहीं है, कोई मेकअप नहीं, कोई चेंज नहीं, जो कपड़ा डाल लेते हैं जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों को अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो भी प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से नए ब्लॉग में, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।